सालो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर एडवाइजर 24 में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक की, कि इंडसइंड बैंक में पोस्ट होती है एसडीएम, तो उसका पूरा नाम क्या होता है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है एसडीएम की, और ये रिटेल बैंकिंग की जॉब है या फिर ऑपरेशन की जॉब है। बट यहाँ ये ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में एसडीएम होते हैं इंडसइंड बैंक में। तो मैंने सोचा यार चलो बहुत सारी बैंक के यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, आज इंडसइंड बैंक के पोस्ट और ग्रेड इन सब चीज़ों की बात करते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। लेट्स स्टार्ट विद इंडसइंड बैंक। एक एसडीएम पोस्ट है, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आपको वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं इंडसइंड बैंक के लिए, ठीक है। चलिए एसडीएम के बारे में आज हम जानेंगे क्या पूरा नाम होता है और क्यों बेस्ट है और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ साथ कैसे अप्लाई करें, और इंडसइंड बैंक के बारे में थोड़ा सी हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं, इंडसइंड बैंक में पोस्ट होती है इंडसइंड बैंक, ठीक है। आज इसके बारे में बात करते हैं, इसमें पोस्ट होती है एसडीएम, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। और इंडसइंड बैंक बेसिकली इंडसइंड बैंक हिंदुजा ग्रुप का है, हिंदुजा ग्रुप वालों की ही ये बैंक है। और इंडसइंड बैंक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इंडसइंड बैंक है हिंदुजा ग्रुप की, और इंडसइंड बैंक का वर्क कल्चर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बैंक है और टारगेट प्रेशर ज्यादा नहीं करते हैं यहाँ पे। हाँ देखो हर जगह टारगेट प्रेशर, बट यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, ज्यादा ना टारगेट है ना प्रेशर है। आप लग जाएंगे तो आप समझिए एक पब्लिक सेक्टर में आप आ गए, गवर्नमेंट बैंक में आ गए, जहाँ पे ज्यादा आपको प्रेशर सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इंडसइंड बैंक है हिंदुजा ग्रुप वालों का, बहुत अच्छा बैंक है, मौका मिलता है तो जरूर जाइए। अब एक इसमें पोस्ट होती है एसडीएम, एसडीएम पोस्ट है मतलब ये है वर्क प्रोफाइल है, एसडीएम वर्क प्रोफाइल है, ठीक है। पोस्ट आपको हो सकता है एएम मिले डीएम मिले, वो डिपेंड करता है, बट एसडीएम है, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पर पूरा नाम क्या है इसका, नेम, ठीक है। एसडीएम का पूरा नाम होता है सर्विस डिलीवरी मैनेजर, सर्विस डिलीवरी मैनेजर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है एसडीएम। इंडसइंड बैंक में एक पोस्ट है ये एसडीएम की। और हाँ इसके लिए बैचलर, जो बैचलर्स हैं फ्रेशर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इंडसइंड बैंक के करियर पोर्टल पे जाके। उसके साथ साथ तो फ्रेशर्स हैं, एक साल का एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है, पैकेज ज़्यादा मिलेगा, अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर एसडीएम पोस्ट मिल जाए तो मतलब मजा आ जाए। मैं आपको बताता हूँ, एसडीएम जो होते हैं वो होते हैं ब्रांच बैंकिंग में, ठीक है, ब्रांच में होते हैं, ब्रांच बैंकिंग में एसडीएम होते हैं। अब एसडीएम ब्रांच बैंकिंग में, बट आप पूछेंगे सर ये रिटेल में होते हैं मतलब सेल्स में ऑपरेशन जॉब है, तो एसडीएम पोस्ट है ऑपरेशन की, ऑपरेशन की पोस्ट है, सबसे बेस्ट क्या है ना ऑपरेशन पोस्ट है। और इसमें वैसे तो प्योर ऑपरेशन होता है, प्योर ऑपरेशन पोस्ट है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, काम वगैरह क्या रहेगा, कितनी सैलरी मिल सकती है, कितना पैकेज, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एसडीएम के बारे में हम जानेंगे। पूरा नाम है सर्विस डिलीवरी मैनेजर। अब सर्विस से आप सोच लीजिए क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले ऑपरेशन जॉब होती है ब्रांच में, और काम रहता है कस्टमर, जैसे ब्रांच विजिट करते हैं कस्टमर, तो कस्टमर को जैसे किसी को केवाईसी अपडेट करना है, केवाईसी अपडेट का काम होगा, किसी कस्टमर को कोई फॉर्म भरना है, फॉर्म भराने का आपको उसमें हेल्प करने का काम होगा, किसी कस्टमर को आरटीजीएस करना है ना, या किसी को चेक का है, तो ये सारे काम ऑपरेशन की होती है, इसमें कोई सेल्स नहीं है। तो ये इस तरीके से केवाईसी अपडेट हो गया, फॉर्म फिल कराना हो गया, है ना, या फिर आरटीजीएस चेक का काम हो गया, या फिर अदर कोई मतलब कोई भी मतलब किसी को मेल अपडेट करना है, किसी को फोन नंबर अपडेट करना है, ठीक है। तो ये सारे काम कौन कराता है इंडसइंड बैंक में, एसडीएम सर्विस डिलीवरी मैनेजर, सर्विस प्रोवाइड करना, बेसिकली समझ लीजिए एसडीएम का काम हो गया सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर का काम हो गया एसडीएम का, ठीक है, ये सारे काम हो गए। और बस ऑपरेशन का, प्रॉपर ऑपरेशन का काम होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर सेल्स भी, देखो ब्रांच मैनेजर है आपके, जो भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है सेल्स के लिए बोलेंगे, पर एसडीएम का काम सेल्स करना नहीं है, सेल्स ऐसे हो जाती है क्रॉस सेल, जैसे कोई कस्टमर आया केवाईसी अपडेट करने, बट अच्छा है भाई अकाउंट में अच्छा रुपया रखा हुआ है कस्टमर, तो आप उसको एफडी के लिए प्रपोजल रख सकते हैं, आप उसको म्यूचुअल फंड के लिए एसआईपी वगैरह के लिए बोल सकते हैं, या फिर कोई इंश्योरेंस वगैरह के लिए, मतलब
आपका काम तो ऑपरेशन करेगा बट क्रॉस सेल मान लीजिए मैं यहाँ पे एसडीएम का प्रॉपर ऑपरेशन है बट हाँ क्रॉस सेल तो भाई ब्रांच में हो तो क्रॉस सेल का आपको प्रेशर रहेगा क्रॉस सेल्स का, ठीक है ये कहीं भी खत्म नहीं होने वाला आपको बोला जाएगा बट आपको प्रेशर हरास नहीं किया जाएगा, जितना होता है उतना करिए, दैट सिंपल। इस पोस्ट में आपको जो मैं क्लियरली बताने वाला हूँ वो ये क्रॉस सेल का तो खैर रहेगा। अब बात करें सैलरी, तो पैकेज आपका हमेशा यहाँ पे 3.5 लाख अबोव रहेगा, अबोव का मतलब होता है ज्यादा रहेगा, ठीक है फ्रेशर्स के लिए। और अगर कोई 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेके आता है, 1 ईयर एक्सपीरियंस पर्सन है, तो उसका पैकेज रहेगा आपका 4.5 लाख से ऊपर, ठीक है 4.5 लाख तक रहेगा। ये पैकेज बहुत अच्छा देती है इन्वेस्टमेंट बैंक, तो इतनी सैलरी ले सकती है। एसडीएम के लिए अप्लाई कैसे करें, अप्लाई करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, ठीक है पहला है इंडसइंड बैंक का, ठीक है इंडसइंड बैंक का अपना करियर पोर्टल है, ठीक है करियर पोर्टल पे जाइए, लोकेशन डालिए, अगर आपकी लोकेशन पे ब्रांच है तो वहां पे आप एसडीएम पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको अपना रिज्यूमे, बाकी जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं, मतलब वही अपना एजुकेशन वगैरह के, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ इनके करियर पोर्टल पे आईडी बना के फिल करना है, ठीक है इस तरीके से अप्लाई कीजिए। दूसरा वॉकिंग इंटरव्यू भी, कभी कभी वॉकिंग इंटरव्यू कराता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर वॉकिंग इंटरव्यू तो होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है तो वॉकिंग इंटरव्यू कराता है तो आप लिंक्डइन पे, ठीक है लिंक्डइन पे फॉलो कीजिए, लिंक्डइन पर आप इंडसइंड बैंक को फॉलो कीजिए। और फ्रेशर्स ये बात जान ले कि कोई भी जॉब चाहिए और आप प्राइवेट सेक्टर में मूव करना चाहते हो तो आप लिंक्डइन पे उन सारे कॉर्पोरेट को ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करो जिसमें आप आना चाहते हो, तो वो अपने जो भी जॉब निकलती है वो उसमें एक बैनर डालते रहते हैं बना के कि यहाँ वॉकिंग इंटरव्यू है, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से। तो एसडीएम का रोल प्रॉपर ऑपरेशन है, क्रॉस सेल के लिए बोलते हैं, अगर होती है तो गुड, नहीं होती तो कोई बात नहीं, बट एक्टिवेशन आपका सारे प्रोडक्ट में मांगते हैं। बट एसडीएम जो होते हैं वो सिर्फ ज़्यादातर फोकस करते हैं ऑपरेशन के काम पे, चेक आरटीजीएस वगैरह, केवाईसी अपडेट करना, तो कस्टमर का जो भी काम होगा छोटा मोटा वो सारा काम एसडीएम करेंगे। फील्ड वर्क होता है, नहीं फील्ड वर्क नहीं होता है, ब्रांच में रह के ही आपको वर्क करना होता है, फील्ड पे आप नहीं जाएंगे, सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है। सेल्स का काम नहीं है, क्रॉस सेल है, करना है तो करो वरना कोई बात नहीं, ठीक है बट ऑपरेशन का आपका काम है। तो इंडसइंड बैंक 3.5 लाख के आसपास पैकेज देता है फ्रेशर्स के लिए, और एक्सपीरियंस पर्सन के लिए तो ज़्यादा पैकेज रहने वाला है। अप्लाई करने के लिए करियर पोर्टल से जाके अप्लाई कीजिए, और एसडीएम की पोस्ट अगर मिल जाती है तो आप सुकून से रह पाएंगे, अच्छे से बैंक में सर्वाइव कर लेंगे, क्योंकि इंडसइंड बैंक इतना प्रेशर नहीं देता। तो ये आज के टॉपिक था एसडीएम का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, केवाईसी अपडेट, मेल वगैरह, ये सारी चीज़ें, कस्टमर को बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करना ब्रांच में रहकर, फील्ड पे नहीं जाना है, कुछ काम फील्ड पे आपका नहीं होता है, सेल्स आपको करनी नहीं है, क्रॉस सेल होती है तो ठीक वरना कोई बात नहीं, आपको हरास नहीं किया जाएगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जाएगा। बोलेंगे जरूर, उनका काम बोलने का है मैनेजर लोगों का, बट आपके ऐसा नहीं है कि आपको गालियाँ दे रहे हैं या कुछ भी नहीं, ऐसा इन्वायरमेंट इंडसइंड बैंक में नहीं है, क्योंकि इंडसइंड का मालिक भाई हिंदुजा ग्रुप है और हिंदुजा वर्ल्ड के टॉप ग्रुप में आता है। आपने अशोक लेलैंड सुना होगा, हिंदुजा वालों का है, इंडसइंड बैंक है, हिंदुजा का अपना खुद का फाइनेंस है, तो इतना बड़ा ग्रुप है तो उनकी अपनी पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, बैंक की इनकी अपनी पॉलिसी है, बट बहुत अच्छा बैंक है इंडसइंड बैंक, सैलरी हमेशा अच्छी देता है। और जहाँ जहाँ लोकेशन पर अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो इनकी करियर पोर्टल पर जाके ट्राई कीजिए, वॉकिंग इंटरव्यू में बैठिए, मौका मिले तो इंडसइंड बैंक में जरूर आइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और एसडीएम पोस्ट बहुत अच्छी है, सर्विस डिलीवरी मैनेजर ऑपरेशन पर प्रॉपर, ज्वाइन कर लीजिए अगर मौका है इंडसइंड बैंक में, एसडीएम की पोस्ट मिलती है तो ठीक है, सर्वाइव अच्छे से कर लेंगे, एक्सपीरियंस अच्छा निकाल लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, और आप सब अपना ध्यान रखिएगा, ऑल द बेस्ट।